رحمتِ مالکِ کونین حجاب اللہ الکبرا عصمت اللہ الکبرا اسرار اللہ الکبرا ام العلوم ام ابیہا ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلاتو والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار مبید الشرق نقطۃ الدائرۃ التوحید حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاتو والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی قندیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاہ الرسل والصلاة والسلام علی القائم المعهدی الحجۃ الصاحب الاسر والزمان اللهم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پر اللہم صلی علی محمد تین روزہ بجالے سے سیدہ طاہرہ لیکن میں نے جو ان تین دنوں کے لیے آیت غریمہ کو سرنامہ کلام دیا اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے مالک ارشاد فرما رہا ہے او میرے نبی جس کے لیے تو نے اتنا تردد اٹھایا جس چیز کے لیے تو نے پتھر کھائے جس چیز کے لیے تو نے تبلیغ انجام دی جس کے لیے تو اب زمین پر اترنا تو نے پسند کیا اور پھر تو نے ساتھ ساتھ اپنے نور کو بشری لبادوں میں جس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر ہونے کے لیے تیار کیا کیونکہ تو میری قربت ہے تو میری پہچان ہے تو میری میں ہے تو میری چاہت ہے تو ہی تو میرا ارادہ ہے تو ہی تو میری مشیت ہے تو ہی تو میرے اسما ہے تو ہی تو میری صفات ہے بس تو ہی تو ہے اور تو ہی تو مانا جاتا ہے کہ میں اللہ ہوں اللہ بیت الحزن میں مجھے کبھی یہ مسئلہ نہیں رہا کہ میں دل کی گہرائیوں سے نہ پڑھوں سیدہ کے لیے پڑھتا ہوں اور بھی یہ بھی ہماری خواہش تھی کہ بیت الایام سیدہ میں بیت الحزن میں اگر سلسلہ گفتگو نہ ہو تو شاید میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا کہ میں نے شہزادی کے بیت الحزن میں جا کر شہزادی کا تذکرہ نہیں کیا
और मेहरबानी है बैतुल हुज़न की, बैतुल हुज़न के मुजावरों की, के मुझ जैसे गुनहगार को इजाज़त दे देते हैं। तो और घर है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि हम किस तादाद में हैं, ये आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि मेरा इससे लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना सिर्फ जिक्र से है, और उसी के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ऐसे राज खोलूँ जो बादशाहों ने पैगम्बर अता किए हैं, और वो आपके खिदमत में गुजारे। इसीलिए मैंने इस आयत को तलावत किया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अब अल्लाह ने इसी आयत में दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक दीन एक इस्लाम। कोई दीन है वो इस्लाम है। कोई दीन है, कोई दीन है वो इस्लाम है, और वो इस्लाम है। और यहाँ मखलूक की बात नहीं हो रही कि ऐ मखलूक मैंने तुम्हारे लिए एक दीन नाजिल किया जिसे मैंने इस्लाम कहा है, नहीं। कह रहा इन दल्लाहिल इस्लाम, मुझ अल्लाह के करीब, मुझ अल्लाह के पास अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अपना तारुफ करा रहा, अपनी पसंद बरदा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बस मुझे इसी पे बहस करनी है, ये दीन क्या है और ये इस्लाम क्या है। बहुत है, समझ रहे हैं, ये दीन क्या है। बड़े जिंदगी के बड़े अरसे के बाद मैंने अपना असलूब बदला है, और मैं इसी से चाहता हूँ कि आप सैयदा ताहिरा की ज़ाते गरामी अकदस को समझें कि ज़हरा दीन है या दीन से अफजल है। समझ सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। ज़हरा कुरान के मुताबिक कोई दीन है वो इस्लाम है। ज़हरा दीन है या ज़हरा इस्लाम है, या ज़हरा वही इस्लाम है जो अल्लाह के नज़दीक दीन है। एक और जाविये से, एक और जाविये से, और इन तीन दिनों में रोज एक जाविया इसी आयत के तहत देखिए, क्योंकि एक तीसरा लफ्ज मैं अभी कहना नहीं चाहता, इसमें एक तीसरा लफ्ज है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। ये है आयत का तर्जुमा, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है, अल्लाह के नजदीक। अब पता नहीं ये अल्लाह का नजदीक क्या है। हाय हाय हाय, अल्लाह का नजदीक क्या है, अल्लाह का नजदीक क्या है, अल्लाह का नजदीक क्या है जिसके करीब इस्लाम दीन है। अल्लाह के करीब इंदल्लाह, अल्लाह के करीब वो जो दीन इस्लाम है वो क्या है। तो तीन चीजें, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, और अल्लाह का करीब क्या है। इंदल्लाह, और क्या अल्लाह का करीब, अल्लाह का दीन जो इस्लाम है वो मुस्तफा ने जो अपनी उम्मत को अता किया है, उम्मत बतौर मुसलमान उस दीने इस्लाम को इख्तियार करती है, उम्मत करती है, और जब वो करती है तो क्या उसके लिए ला इला इल्लल्लाह काफी है या मोहम्मद रसूलल्लाह कहना जरूरी है,
और अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह कहने के बाद भी ईमान नहीं आया तो फिर वो तीसरा कौन है जो इस्लाम है। ना ला इलाहा इल्लल्लाह पे इस्लाम आया, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने पे इस्लाम आया। जब तक के तीसरा किसी की गवाही नहीं दी तब तक आप इस्लाम में नहीं आए। उसके लिए आपको सूरह हुजरात तक जाना पड़ेगा। सूरह हुजरात में अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे रसूल, ये जो अराबी तेरे पास बैठे हैं, ये अराबी तुझसे कह रहे हैं हम इस्लाम लाए, नहीं बल्कि वो कह रहे थे हम ईमान लाए। हम ईमान लाए, वो अराबी, ये अराबी नबी तुझसे कह रहे हैं हम ईमान लाए कि हम ईमान लाए। इनसे कहिए नहीं, तुम ईमान नहीं लाए, इस्लाम लाए। समझ रहे ना, तुम ईमान नहीं लाए, तुम इस्लाम लाए हो। ऐ नबी इनसे कह दीजिए, मैं इनके दिलों की कैफियत देख रहा हूँ, मैं इनकी कैफियत देख रहा हूँ, और तफसीर उठा के देख लिए। रसूल ने कहा अल्लाह को मानो, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा मुझे मानो, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा मेरे भाई अली की वलायत की गवाही दो। वो खामोश हो गए, कहने लगे हम इस्लाम ला, दीन ईमान ला तो चुके हैं। तब आयत रसूल ने आसमान की तरफ देखा कि ये अली के बगैर कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं। अल्लाह ने कहा नबी तुम खामोश रहो, मेरी वही बोलेगी, तू मेरा पैगाम सुना दे। इन अराबियों से कहो तुम इस्लाम लाए, तुम ईमान नहीं लाए। अल्लाह ईमान नहीं लाए, इस्लाम लाए। ये इस्लाम क्या है, ये इस्लाम क्या है? मुझे कोई लुगत नहीं बयान करनी। असलमा से है, सिल्म से है, गर्दन झुकाने का नाम है, अतात का नाम है, नहीं मैं तो सीधा माने नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं इस्लाम के माने क्या है, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इस्लाम क्या है, इस्लाम अल्लाह जो कह रहा है। तुम ईमान नहीं लाए, इस्लाम लाए हो। इस्लाम क्या है, यानी अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो इसे कहते हैं इस्लाम। यानी अब तुम्हारी इस्लामी ममलूकत में जान व माल व इज्जत व आबरू, तुम्हें जिंदा रहने का हक, इख्तियारात, हकूक इस्लामी तुम्हें सारे हासिल हो गए हैं, लेकिन अभी तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से नहीं जुड़ा। भर्ती हो गए, हाँ आप भर्ती हो गए हो, लेकिन आपका ताल्लुक दीन से नहीं जुड़ा, इस्लाम पे। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा वो इस्लाम जो दीन के बगैर है वो सिर्फ पना है, वो पना है, वो सिर्फ पना है। जब तक के तुम्हारा इस्लाम दीन में दाखिल ना हो जाए, यानी वलायत अली का इकरार ना हो जाए, तब तक हैदरी, तब तक सरकार इस्लाम दीन नहीं बनता। और अगर वलायत का इकरार हो जाए तो फिर आपका इस्लाम बन जाएगा दीन, लेकिन इंदल्ला नहीं बना जब तक जहरा के हक के लिए आवाज ना उठा लो, तब तक ये दीन इंदल्ला नहीं है। क्योंकि रसूल ने इरशाद फरमाया जिसने जहरा को अजियत दी उसने मुझे दी, और जिसने मुझे दी उसने अल्लाह को दी, और जिसने अल्लाह को दी उसका दीन इस्लाम नहीं है। अल्लाह, पूरी हदीस इस तरह से है। हैदरी, तो बुनियादी और तमहीदी गुफ्तगू में ये गुजारिश आप तक पहुंच गई कि कोई इस्लाम है, अगली मंजिल उसका दीन है, और फिर दीन दाखिल होता है सैयदा की हुरमत कायम होने के बाद इंदल्ला,
लेकिन जब ये इंदल्ला भी हो जाए तो अभी भी आप उस मंजिल पे फायज नहीं हुए जो अल्लाह चाहता है। इसीलिए अल्लाह ने सूरत निसा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ऐ ईमान लाने वालों ईमान लाओ, ऐ ईमान लाने वालों ईमान लाओ, दीन इस्लाम नहीं लाओ, ईमान वालों ईमान लाओ। तो ये दोबारा ईमान वालों को ईमान पे क्यों कहा जा रहा है? यानी तुम्हारे जब रसूल, क्या रसूल अल्लाह से नहीं पूछा गया, या रसूल अल्लाह ईमान ला चुके, अल्लाह भी गवाही दे रहा है, या यो अल्लाह जी ना मन आमिनू, अरे ईमान लाने वालों ईमान लाओ, अल्लाह पे, उसके रसूल पे ईमान ना, उसकी किताबों पे। दोबारा तजदीद ईमान, तजदीद ईमान, पूरा पूरी आयत, ईमान लाने वालों ईमान लाओ, अल्लाह पे, उसकी किताबों पे, उसके रसूलों पे ईमान लाओ। और जो रसूल तुझ में फैसला तुम में कर दें, जो तुम में फैसला रसूल कर दें, उससे एक लम्हे के लिए भी गुमान न करो कि तुम उसके खिलाफ जाओगे। यानी अगर कभी रसूल कहें कि मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, तो अगर इससे इनकार किया तो फिर ईमान लाने वालों तुम ईमान नहीं लाए, फिर तुम ईमान नहीं लाए। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए, अब जरा एक कदम और आगे बढ़ चल, तसलसल के साथ आज की हद तक बात किसी न किसी मंजिल पे तो पहुंची। चलिए, इब्तदाइया उसका तय हो गया बड़े आसानी के साथ। अब अली बादशाह से कोई पूछ रहा है, अमीर अमीर, बगैर मवद्दत बिनते रसूल आपकी वलायत कैसी है? बड़ा अहम बात मैंने कहा थी कि अगर बादशाह, अगर मवद्दत बिनते रसूल के बगैर आपकी वलायत का इकरार किया जाए तो वो कैसी है? अली ने बड़ी गहरी निगाह डाली, कहा तेरे दिल में ऐसा शक था तो नहीं, लेकिन अगर तूने पूछ लिया है बतौर सवाल इल्मी तो याद रख, जैसे कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और सजदा लातो मनात को करे। समझ रहे ना, समझ रहे ना, अगर समझ रहे ना, हाँ समझ रहे ना। मैंने कहा ना मार्फत के सफर तय कीजिए, हाँ उसने बुत परस्ती की, मवद्दत बिनते रसूल के बगैर मेरी वलायत का इकरार ऐसे ही है जैसे कोई ला इला इल्लल्लाह कहे और फिर वो लातो मनात को सजदा करे। हाँ, मैंने इसीलिए कहा था कि मैंने आयत करीमा को सरनामा कलाम जिसको दिया है उसके बड़े अहम मतालब मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं, अब वो सवाल करने वाला और बढ़ा, उसने कहा मवद्दते सैयदा के बग़ैर, मवद्दते बिनते रसूल के बग़ैर, या अमीर अल-मोमिनीन, अगर कोई रसूल अल्लाह की रिसालत का इकरार करे तो वो कैसा है, तो वो कैसा है, वो कैसा है? अमीर अल-मोमिनीन ने फिर गौर से देखा और इरशाद फरमाया, सुनो मवद्दते बिनते रसूल के बगैर, बिनते रसूल की मवद्दत के बगैर, फिर कह लो बिनते रसूल की मवद्दत के बगैर मोहम्मद रसूल अल्लाह ऐसे अल्लाह की बारगाह में है जैसे अल्लाह की बारगाह में उसके हर हुक्म का इनकार कर देना, अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, हर हुक्म का, किसी एक हुक्म का नहीं। इबलीस ने सिर्फ एक हुक्म का इनकार किया था,
का हर हुक्म का इनकार कर देना है। उसने कहा मौला एक और सवाल करूं? हाँ पूछो। का बिनते रसूल की मवद्दत के बगैर ला इलाह इल्लल्लाह कहना, ला इलाह इल्लल्लाह कहना कैसा है? अमीर ने इरशाद फरमाया सुनो, ला इलाह इल्लल्लाह बगैर मवद्दते मारफते बिनते रसूल के बगैर ला इलाह इल्लल्लाह कहने का मतलब वही है जो नमरूद ने कहा, जो फिरौन ने कहा, जो शदाद ने कहा कि मैं अल्लाह हूं। आपने या रसूल अल्लाह सारा, यानी ये ऐसा है, ऐसा ही है जैसे उन्होंने दावा किया था कि हम रब हैं, मैं हम रब हैं, हम रब हैं, जैसे उन्होंने कहा, गोया तुमने भी वैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वैसे ही तुमने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अगर मवद्दत है, अब उस शख्स ने सवाल किया, कहने लगे सखी मा माना तो मवद्दत बिनते रसूल, अब सिर्फ हमें यह भी बता दीजिए कि मवद्दत बिनते रसूल होती क्या है, है क्या, है क्या, है क्या मवद्दत बिनते रसूल, है क्या? कहा मवद्दत बिनते रसूल यह है कि बाद अज रसूल जो दीन कायम किया जहरा ने वही इस्लाम समझे। अपने बाबा के जाने के बाद जो बीबी ने इस्लाम कहा उसी को कौल फेल तकरीर बीबी की उसी को वो इस्लाम समझे, उसी के आगे सरे तस्लीम में खाम करे। कहा मौलाई आपके पास जो इस्लाम है, आपके पास जो दीन है, ये क्या है? अली बेसाख्ता कहने लगे मवद्दत फातिमतु जहरा। अल्लाह मुझ अली के पास जो दीन है वो भी मवद्दत फातिमतु जहरा है, वो भी वही मवद्दत है। कहा मौला क्या वलायत आपका खासा नहीं है? आपका खासा वलायत आपका खासा नहीं है? क्या वलायत खुदा आपके पास नहीं है? आपको नहीं तफवीज शुदा, आपको अल्लाह ने नहीं अता की? कहा अल्लाह ने अपना मजहर बनाया, अल्लाह ने अपनी सिफात व इस्मा से हमें नवाजा, क्योंकि वो इनसे गैर है, इनसे गैर है, वो अपनी सिफतों में थोड़ी ढूंढा जा सकता है, वो अपने नामों में थोड़ी मिलता है, नहीं, उसकी सिफात और इस्मा हम हैं, हम हैं उसकी सिफात और इस्मा। लेकिन जो हमारी वलायत है ना, हमारी वलायत वो बतूले अजरा की वलायत के आगे बिल्कुल वैसा ही मकाम रखती है जैसी अल्लाह की मुशीयत और इरादा एक दूसरे से निस्बत रखते हैं। अल्लाह अकबर, मुशीयत और इरादा, मुशीयत और इरादा, अल्लाह का मुशीयत और इरादा। उसने कहा मौला ये मुशीयत और इरादा क्या है? कहा अल्लाह की मखलूक। कहा ये मुशीयत और इरादा अल्लाह की मखलूक है, ना ये अल्लाह का इस्म है, ना ये अल्लाह की सिफत है, वो जो इरादा करता है वो मखलूक है। कहा मौला आपने जो कहा हम मुशीयत और इरादा हैं अल्लाह के, आपने फरमाया हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि अल्लाह की मुशीयत और इरादा हम हैं, वो हमसे
हम जैसा नहीं है, वो मशीयत और इरादे से बुलंद है। मशीयत और इरादा हम हैं जो उसकी जात का खासा है, यानी वही इरादा भी करता है वही मशीयत। उसने कहा मौला वो तो आप कह रहे हैं कि आप मशीयत और इरादा हैं, उधर से कह रहे अल्लाह भी करता है अपनी मशीयत और इरादे से फैसला। कहा सुनो वही तो तुम्हें बता रहा हूं कि मैं और बतूल अल्लाह का मशीयत और इरादा हैं, हम दोनों ही चाहते हैं तो नबुवतें और रिसालतें चलती हैं। अल्लाह समझ रहे थक तो नहीं गए, जहमत तो नहीं हो रही, ठीक है ना, समझ रहे ना हजूर। जरा तमीदी गुफ्तगू को अच्छी तरह से संभाल लीजिए इन, हाँ लेकिन थोड़े से दकीक है, लेकिन मैंने बड़ी आसानी से कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं आपको उलझा लेता मुशीयत और इरादे में और आपको पता भी ना चलता कि अल्लाह जाने इन्होंने क्या कहा हमने क्या सुना, ठीक है। लेकिन मैं बड़ी सादगी से कह रहा हूँ कि मुशीयत और इरादा अली और बतूल हैं, बिल्कुल आसानी से कह रहा हूँ बगैर किसी, यानी जो चीज़ भी अल्लाह ने खल्क की अपने मुशीयत और इरादे से वो मखलूक है, वो मखलूक है और वो इरादा और मुशीयत से जारी हुई है। और अली कह रहे हैं वो मुशीयत और इरादा हम हैं और मुशीयत और इरादा एक तरह से खुदा की मखलूक है, यानी तुम उसको नहीं जान सकते। जान सकते क्यों कि तुम कहीं, इसलिए अली ने मखलूक कहा कि कहीं तुम उसे खुदा ना समझो, यानी खुदा को छोड़ के कहीं मुशीयत और इरादे के पीछे ना चल पड़ो कि हर चीज़ का खालिक तो मुशीयत और इरादा है। अली ने कहा नहीं, हर चीज़ का खालिक मुशीयत और इरादा है लेकिन वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह मैं कह रहा हूँ उसको जो इस लफ्ज़ अल्लाह का मालिक है, अल्लाह वो अली 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 बस अली 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 या अली। हाँ अब जरा थोड़ा सा जब नारे वाली बात आएगी तो ज़रूर मारिएगा, लेकिन अभी तो कुछ पेचीदा मसला आन खड़ा हुआ है और उस पेचीदा मसले को हल करने की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं कि बिनते रसूल का आखिर मकाम क्या है, मकाम क्या है। तो अब एक चीज़ तो तय हो गई है और ये जुमला याद रखिएगा मेरा अपने गुजारिशात में ज़रूर इसे जगा दीजिएगा, जिसमें मैं आपकी सिर्फ तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ कि दीन वो है जो इस्लाम है, जो अल्लाह के करीब है, वो है मवद्दत सैयदा ताहरा ज़हरा। और अगर ये मवद्दत आपके पास नहीं है तो ना आप मुसलमान हैं, ना आप दीनदार हैं, ना आप कलमा रसूल पढ़ते हैं, ना आप अली वलीउल्लाह के कायल हैं, हत्ता कि आपसे ला इला इल्लल्लाह भी छीन लिया जाता है। अगर ये मवद्दत सैयदा आपके पास नहीं है तो अब बादशाह से पूछा गया मवद्दत क्या है, बादशाह ने कहा मुशीयत और इरादा है हम। उसने कहा मौला सैयदा की मवद्दत क्या है, आखिर कैसे साबित करें कि शहजादी की मवद्दत। बादशाह ने फरमाया मैं बिल्कुल समराइज कर रहा हूं, उसको समरी बना के आपको दे रहा हूं कि मैंने अभी तक क्या कहा है। उसमें ये कहा है कि भाई देखो शहजादी आलम की मवद्दत के लिए रसूल अल्लाह मौला ने ये इरशाद फरमाया कि जितना का जितना दीन है वो शहजादी का वो दीन है, उसे कबूल करो जो बाद अज़ वफ़ात रसूल अल्लाह ने इस दुनिया से जाने के बाद अपनी बेटी के बारे में जो वदिया फरमाया और शहजादी ने जैसा जैसा अपने खुतबे में, आसानी के लिए समझा रहा हूँ, खुतबे में जो कुछ कहा वो अल्लाह के रसूल का इस्लाम है, जो खुतबा बीबी ने दिया वो अल्लाह के रसूल का इस्लाम है और अल्लाह का दीन है, दीन है। अब अली बादशाह से उन्होंने पूछा सरकार बीबी ने जो खुतबा दिया वो क्या है, वो खुतबा
کیا ہے، میں نے خطبہ نہیں پڑھنا، صرف بادشاہ کے اوپر جو سوال ہو رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ علی بادشاہ نے جواباً کوئی خطبہ سنایا نہیں، بلکہ صرف اتنا کہا کہ حق گوئی میں، علی کہہ رہے ہیں، حق گوئی میں گونگے پن کا علاج ہے کلام زہرا۔ سبحان اللہ، کہا حق گوئی میں گونگے پن کا علاج ہے کلام زہرا۔ اگر زہرا نہ بولتی حق ہمیشہ کے لیے گونگا ہو جاتا۔ اللہ بڑے بڑے چیتہ چیتہ جملے ہدیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سیدہ کا پتہ چلے کہ بجر علی کہہ رہے ہیں حق۔ میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف ابھی آپ کے مزاجوں کو تھوڑا سا چھیڑا ہے، سخت باتیں تاکہ سننے کے آپ عادی ہو جائیں۔ تین دن میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، موسم ابر آلود ہو سکتا ہے، چمک دمک جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، اس لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ سمجھ، فضائل ہیں بی بی کے، لیکن خدا کی قسم ایک سچی بادشاہ جی عرض کروں، ممبر میں بیٹھا ہوں اور حق کے سامنے حق کی کہنا چاہیے، سیدہ کا قصر ہے۔ یقین جانیے، یقین جانیے، فضائل سیدہ سے، فضائل سیدہ سے اتنے فضائل ہیں کہ ابد اور ازل اس کے اندر گم ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے فضائل ہیں، ہاں جی اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل۔ میں بڑے آرام آرام سے، سکون سے ہدیہ، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ مجھے صرف آپ کو بلند کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حلفن کہہ رہا ہوں کہ اتنے فضائل موجود ہیں کہ ابد اور ازل، ابد اور ازل اس کے اندر گم ہیں۔ ان فضائل کے اندر ابد اور ازل اپنی سمتیں کھو چکے ہیں، جیسے اندھیری اتنی گہری ہو کہ کوئی بچہ راستہ بھول جائے اس اندھیری میں اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کس سمت کو جا رہا ہے۔ ابد اور ازل فضائل سیدہ میں اسی بچے کی طرح ہیں جو گہری اندھیری میں گم ہو گیا ہے اور اسے سمت کا پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر، فضائل کی اتنی آندھی ہے کہ انسان اس میں کھڑا نہیں رہ سکتا، راستہ ڈھونڈنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود، اس کے باوجود سیدہ کے بارے میں پوری انسانیت جاہل ہے۔ انسان نہیں، انسانیت، کیونکہ فضائل سیدہ انسان کے لیے تھے ہی نہیں۔ سیدہ کے فضائل انسانیت کے لیے تھے، اور انسانیت فضائل سیدہ کے سامنے مطلقاً جاہل ہے، مطلقاً جاہل ہے، مطلقاً جاہل ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، سیدہ کے فضائل کے سامنے مطلقاً جاہل ہے، مطلقاً جاہل ہے۔ شاید ساری زندگی ہی یہ کہتا رہوں کہ مطلقاً جاہل ہے، لیکن سیدہ کی معرفت، سیدہ کے بغیر کوئی کسی انسان کو نہیں مل سکتی، کیونکہ معصوم کا قول موجود ہے، موجود ہے، اعلان الحق فاطمہ ان المخلوق کا، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ ہے کہ اللہ نے انسان کے ادراک کو قطع کر دیا ہے کہ وہ اس کی معرفت لے سکے۔ اللہ اللہ فتح، اللہ نے قطع کر دیا ہے، اللہ نے فاطمہ، اللہ نے قطع کر دیا ہے کہ مخلوق معرفت سیدہ کی اٹھا سکے، قطع کر دیا گیا۔ اسی لیے میں نے کہا انسانیت جاہل ہے۔ پھر مودت کا سوال تو بنتا تھا نا علی سے پوچھنا، کہ پھر مودت کیا ہے جب اتنے سخت ماحول میں، یہ تو پوچھنا واجب تھا نا،
कि आखिर फिर जब कुछ भी नहीं इंसान जानता, अल्लाह ने इदराक को कता कर दिया है, तोड़ दिया है, अलग कर दिया है कि वो मार्फत सैयदा नहीं हासिल कर सकता, तो फिर मवद्दत क्या है। और अली बादशाह पहले इस्लाम बताया कि मवद्दत क्या है, कि जो वो कहे उसे इस्लाम समझो, जो वो कहे। फिर अली ने कहा अल मवद्दत सैयदत ताहिरा ज़हरा बिन्त अखी मुहम्मद रसूलल्लाह, का सैयदा ताहिरा की मवद्दत जो नबी आजम की बेटी मेरे भाई की बेटी हैं, उनकी मवद्दत ये है, मवद्दत ये है कि पूरी कायनात अपने इलम समेत, मवद्दत क्या है, इलम समेत पूरी कायनात सैयदा के खिलाफ चली जाए, सैयदा के खिलाफ चली जाए तो तुम वाहिद फर्द हो जो सैयदा की तरफ चला जाए, ये है मवद्दत खुदा। अल्लाह सारी कायनात सरकार सारी कायनात चली जाए तो तुम जहरा के साथ रहो। कहा ये होगी, अली ने ये नहीं कहा मवद्दत बिनते रसूल, कहा मवद्दत खुदा। तुमने खुदा से इश्क किया, तुमने खुदा से इश्क किया। अब किसी वो गहरा आदमी था, नाम भी कहीं लूंगा उसका, कैसी हस्ती थी, उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि बीबी की मवद्दत मवद्दत खुदा है, ऐसा क्यों है। अली खड़े हो गए और जलाल से कहने लगे अत्तफक्कुरुल आखिर खत्मी मर्तबत ज़हरा, कहा सुनो अल्लाह पर मोहम्मद की आखिरी तफक्कुर का नाम ज़हरा है। मोहम्मद का खुदा पर आखिरी तफक्कुर, यानी रसूल अल्लाह ने आखिर पे जो अल्लाह को पहचाना, सबसे आखिर पे, जिसके बाद उसकी कोई पहचान बाकी नहीं रही, का वो जो आखिरी तफक्कुर है ना मुस्तफा का अल्लाह पर, उसका नाम है ज़हरा। नबी का आखिरी खुदा पर तफक्कुर, न जाने मुस्तफा का तफक्कुर खुदा क्या है, क्या है तफक्कुर खुदा। खत्मी मर्तबत के जब का उस तफक्कुर का नाम ज़हरा है, उसने कहा अज्जामे वल फिक्र, मुकम्मल इदराक है मुस्तफा का ज़हरा या सिर्फ फिक्र है। सिर्फ फिक्र है, दो चीजें हैं ना, एक दिमाग, एक दिमाग में मौजूद फिक्र, फिक्र से अफजल है दिमाग। जो फिक्र को रखेगा, अली ने मुस्कुरा के फरमाया कि रसूल की अक्ल भी ज़हरा है, फिक्र भी ज़हरा। अल्लाह अल्लाह समझ, खुदा आपको सलामत रखे। अक्ल भी, अब रसूल की हदीस सुनी, अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, अव्वलु मा खलक अल्लाह कलम, अव्वलु खलक। देखिए ये हदीसें वो हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, जिन्हें हमेशा, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क किया, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को खल्क किया, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को खल्क किया, इल्म को खल्क किया, अल्लाह ने सबसे पहले अकल को खल्क किया। और अली कह रहे हैं अल अकल रसूल अल्लाह ज़हरा, रसूल अल्लाह की अकल का नाम ज़हरा है। तो अब वही हदीस जो बार बार दोहराता हूँ, ए मोहम्मद अली तुझे न खल्क करना होता तो कायनात ना बनाता,
और अगर जहरा को ना जाहिर करना होता तुम दोनों को ना बनाता। जब जहरा को इन दोनों को ही इल्लत करार दिया तो फिर जहरा को अंदर क्यों रखा, इन्हें बाहर क्यों रखा? है ना, बात कुछ हो जाए, कुछ बातें हो जाए ताकि समझे। ये औरत क्या है, ये सिंफ, ये जिन्स है, औरत क्या है? मेरी बेटियां भी तशरीफ फरमाए, बहने माए, इन्हें भी तो सोचना चाहिए। हम कौन है, इन्हें क्या ये शरफ थोड़ा है कि इनकी जेंस में आना पसंद किया मोहम्मद के जाहिर होने की वजह ने? अल्लाह समझ, इनकी जेंस में, इनकी जेंस में ये कितनी इज्जत है इनकी। राज की बात बताऊं, हसन और हुसैन दोनों बैठे और शुजात अली की बात हो रही है। अच्छा, शुजात अली की बात, अली के बेटे, अली के बेटे बात कर रहे हैं अपने बाबा पर कि हमारे बाबा शुजा कितने हैं। हसन और हुसैन बात कर रहे हैं, हाय हुसैन अगर शुजात पे गुफ्तगू करें और हसन हिलम पे गुफ्तगू करें तो दोनों भाई आज शुजात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अचानक दोनों हैरान होके रुके गुफ्तगू में, हैरान होके रुक गए, हैरानों में हैरान होके रुक गए। कहने लगे भाई हमने माँ की शुजात पे कभी बात नहीं की। हसन बोले हुसैन से, हुसैन हमने माँ की शुजात पे कभी नहीं बात की, आओ नाना के पास चलें। दोनों शहजादे उठे और नाना की गोद में आके बैठ गए। कहा नाना बाबा की शुजात तो बड़ी दफा हमने सुनी, हम भी जानते हैं, आपने भी बताई, खुदा ने भी कुरान में उतारी, लेकिन हमारी माँ की शुजात क्या है? हमारी माँ की शुजात क्या है? रसूल ने दोनों को चूमा और चूम के इरशाद फरमाया, ओ मेरा बेटो गौर से सुनो, अगर तुम्हारी माँ की शुजात ना होती मुझ मोहम्मद से दुश्मन जीत जाता, मैं अबतर ही रहता। मौला ने हसन और हुसैन की आमद को शुजात बतूल में गिना है, इब्नियत में नहीं गिना। का ये फातिमा की शुजात है कि मैं अबतर नहीं हूं? ये फातिमा की शुजात है कि तुम दोनों उसके बेटे हो, ये शुजात है। ये माँ नहीं है, ये शुजात बतूल है, ये शुजात बतूल है जिसका नाम हसन और हुसैन है, जिसका नाम ज़ैनब व कुलसूम है, ये जाती शुजात है। अरे जिसकी दुआ आबास कहलाती हो, जिसकी सरकार, जिसकी दुआ आबास कहलाती हो, क्या मारफत है उसकी शुजात हसन और हुसैन का? ये माँ नहीं, माँ नहीं, शुजात सैयदा जौहर है, इजहार है। कौन मौला से किसी ने पूछा, अब इस बात को समझिए शुजात कैसे है? सुभान, खुले दिल से सुनिए, क्योंकि मैं खुले दिल से पढ़ बिल्कुल बुखेली नहीं कर रहा, एक नई जहद से शहजादी को समझने की कोशिश। एक इबादत है, क्या आप बीबी का ये कलाम नहीं सुनते, एलमोनी अन्नी फातिमा, जो नहीं जानता वो जान जाए मैं फातिमा हूं। ये कलमा ऐसे ही नहीं अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, मैं जो नहीं जानता वो जाने, जाने एलमोनी जाने, यानी बीबी कह रही है मुझ फातिमा के बारे में इलम हासिल करना तुम पर वाजिब है। हाय 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 हाय, हाँ क्या क्या नजाकते हैं आपको बताएं।
आपने सिर्फ सोचा कि मान लेना काफी है, मार्फत के कई राज हैं, कई जाविये हैं। एलमुनियन्नी फातिमा, जो नहीं जानता वो जाने, वो जाने। हुक्म दिया जा रहा है हसूल इल्म का, यानी मैं फातिमा हूं जानो। ये बसा तो मिन्नी कह रही है, रसूल हुक्म दे रहे हैं जानो कि मेरी बेटी फातिमा क्या है। तुम पर इलम वाजिब है, इलम हासिल करो फातिमा के बारे में कि फातिमा क्या है। इसीलिए कुरान ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें इदराक ही नहीं है, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। वहां भी इल्म का तज़करा किया गया है, यानी तुम्हें बतूल के बारे में इल्म ही नहीं दिया गया, इल्म ही नहीं। अब जिस हस्ती के बारे में इल्म हासिल करने की हिदायत है, तो रसूल ने कहा था ना, तुम इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक, बतने लहद तक तुम इल्म हासिल करो। सरकार मिकदाद कहते हैं, बाद में जब हम रसूल की खिदमत में पहुंचे तो हमने रसूल अल्लाह से कहा, मौला ये कौन से इल्म की बात आपने की? फरमाया मेरी बेटी की मारिफत के लिए मैंने कहा, पैदा होने से मरने तक हासिल करो कि मेरी बेटी कौन है, मेरी बेटी कौन है, उसके बारे में इल्म हासिल करो। दहजा ये तीन मयाज, इसी की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है कि सिर्फ मानना काफी नहीं है, मारिफत चाहिए। यानी सैयदा के बारे में हसूल इल्म कीजिए, तब जाके आप मवद्दत सैयदा पे फाइज होंगे। जब आप हसूल इल्म करेंगे कि आखिर ये हस्ती है कौन, कमाल नहीं जिसके 18 साल जिंदगी के सदियों पर मुहित हैं, वो सदियां तय नहीं कर पा रही 18 साल का सफर। मैंने कहा सदियां तय नहीं कर रही, 18 साल का सफर सदियों से खत्म नहीं हो रहा। क्या कह दिया आखिर उसने? हां उसने ये कहा था, यकीनन कहा था, मेरे शौहर की तलवार ज़ुल्फ़कार तुम्हारी राज़े कहे, जब तुम भूख से मर रहे थे इसी ज़ुल्फ़कार ने कत्लो गारत काफरों का करके तुम्हें पेट भर के खजूरें खिलाई थी। ये कहा था उसी ने, उसी ने कहा था मेरे शौहर की तलवार तुम्हारी राज़े कहे। ये न चलती, तुम भूखे मर जाते। और हदीसें मौजूद हैं, हमने पेट भर के खजूरें रतब खाए, हमने कच्ची पक्की खजूरें हमने खाए। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि पंजतन पाक में एक औरत क्यों है? अगर बाल लिहाज जेंस, अच्छा ये जिन्स की बात आपको समझ नहीं आएगी, ये कुल्लो नाम मोहम्मद है, इसमें औरत और मर्द की तफरीक नहीं है। रसूल ने कहा का औरतें बाहर हैं और हम मर्द कुल्लो नाम मोहम्मद, नहीं हम सब खवातीन और हजरात मोहम्मद हैं। कुल्लो ना बुस्सत है, कुल्लो नाम मोहम्मद है हम। लेकिन ये मर्द और औरत के अगर कुल्लो ना मोहम्मद हैं तो ये मर्द और औरत की तफरीक क्या है? आइए आपको एक हदीस की तरफ ले जाऊं। रसूल अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, रसूल अल्लाह ने फरमाया रसूल। अभी मुझे खास एक मकाम पर दाखिल हो जाना है, अभी आप घबराए नहीं, बस अभी ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी 10 मिनट ठहरो। समझना, सुनो मैं यही तो कह रहा हूँ, वाजिब, आज मैंने वाजिब चीज को छेड़ा है। आज तक आप मुझसे फजाइल सुनते रहे, आज मैंने उनके हुक्म पे इल्मुनियन्नी फातिमा, मुझे जानने की कोशिश करो, मुझे जानने की कोशिश करो, मैं फातिमा हूँ। हाँ जिन्होंने नहीं जाना, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक रवायती मजलिस के लिए नहीं बैठे, हम जानने के लिए बैठे हैं कि आइए हम जानने की कोशिश तो करो। उसके लिए तमहीदी गुफ्तगू जारी है। आइए रसूल अल्लाह की एक हदीस सुनिए। खत्मे मर्तबत ने इरशाद फरमाया
मेरी उम्मत के मर्द पे जायज नहीं है कि वो औरत के इस्तेमाल की कोई शय इस्तेमाल करे। रसूल अल्लाह ने अपने जमाने में फरमाया कि कोई मर्द औरत की कोई चीज इस्तेमाल ना करे। अमीर से पूछा गया, मौला इस हदीस की शरह क्या है, क्यों रसूल अल्लाह ने मना किया कि औरत की कोई शय मर्द इस्तेमाल ना करे। अली बादशाह ने मुस्कुराकर फरमाया, बुज़दिल हो जाओगे। सरकार बुज़दिल हो जाओगे। एक भाई ने कहा, जो खत्मी मर्तबा था, उसने कहा औरतों की कोई शय इस्तेमाल ना करो, तुम पर हराम है। अली से शराब पूछी गई, फरमाया बुज़दिल हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे। ये जो दोनों कह रहे हैं ना कि औरत की कोई चीज इस्तेमाल ना करो हराम है, और दूसरा कह रहा बुज़दिल, वो फातिमा की चादर ओढ़े उसके नीचे है। समझ रहे हैं ना, अजब है ना, अजब आप समझ आई। कुल्लो ना मोहम्मद, हाँ कुल्लो ना मोहम्मद, लेकिन उस वक्त इन मोहम्मदों में फातिमा वो मोहम्मद थी जो इन मोहम्मदों को पनाह दे सकती थी। हर हुज्जत पे हुज्जत है इस पाक मुकद्दस सैयदा की ज़ात पर बुलंदतर सलावत। पहुंच रही ना गुजारिश, क्या औरत की कोई शय इस्तेमाल ना करो। दूसरे ने कहा बुज़दिल हो जाओगे, कभी इस्तेमाल, लेकिन वही नबी आके कह रहे हैं अपनी चादर उड़ा दो। अली उस चादर के अंदर है, हसन और हुसैन अंदर है, सबको भेजने के बाद खुद गई सबसे आखिर पे, खुद गई सबसे आखिर पे, खुद गई। मैं अंदर दाखिल हो जाऊं या रसूल अल्लाह, मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। हाँ बेटी आ जाइए, आप भी अंदर दाखिल हो जाइए। और जब कुल्लो ना मोहम्मद बने तो जिब्रील की आंखें चुंधा गईं। हर वक्त का खादिम, चलिए बीबी के सहन का नहीं, रसूल को तो हर वक्त वही ला कर देता है ना, हर वक्त के देखे हुए मोहम्मद को भी भूल गया और कहने लगा ये कौन है, ये कौन है। और फिर अल्लाह ने रिश्तेदारियां गिनी, अल्लाह ने रिश्तेदारियां गिनी, नबी की नहीं, फातिमा की। होम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा, पिदरे गरामी हैं बतूल के, शौहर हैं बतूल के, बेटे हैं बतूल के। रसूल के किसी नसब को नहीं लिया गया, रसूल की किसी बात को नहीं लिया गया, रसूल के किसी रिश्तेदारी को नहीं लिया गया, वरना सभी अहले बैत हो जाते। इसीलिए अहले बैत से मुराद निस्बते रिश्तेदारी बतूल है। अल्लाह, लेकिन अब यहां रसूल अल्लाह ने क्या कहा, क्या आले मोहम्मद कौन है। कहा मेरी औलाद मोहम्मद मुस्तफा की औलाद, मेरी औलाद सुलब अली में रखी गई है,
सुलब बतूल का नाम क्यों नहीं लिया? अगर सुलब बतूल का नाम होता तो फिर सैयद और अहले बैत सिर्फ औलाद जहरा थी। लेकिन जब रसूल ने कहा मेरी औलाद सुलब अली में है, तो अब अली की जितनी औलाद है वो सब अहले बैत है, सब कुल्लो ना मोहम्मद है। सब कुल्लो ना है दारी समझ रहे हैं। सब 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 रखी। अब तो मैं लुत्फ की बात बताऊं, जहरा की कोई औलाद है ही नहीं, अल्लाह ने उसे पाक रखा। सुलबे रसूल हैं हसन और हुसैन, ज़ैनब और कुलसूम। अली की सुलब से बाकी शहजादगान हैं, कोई बतूल का बेटा बेटी नहीं है। हाय बेटी बेटा नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए जुमला कह रहा हूं और इसे हजफ करवा देना, क्योंकि मजहरे लम यलद वलम यूलद है, क्योंकि हजरत फिजा दुआ भी यही करती थी, ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है लम यलद वलम यूलद की बेटी का। जानते ना लम यलद वलम यूलद क्या है? ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह की सिफते हैं। मैं ना किसी से पैदा हुआ और ना मुझसे कोई जना गया, ना मुझसे जना गया, ना मुझसे जना गया, ना मैं किसी से जना गया। ये अल्लाह अपनी बात नहीं कर रहा, ये एक सिफतों की बात कर रहा है। और ये जनना और जना जाना ये नफसानी नफ्सियाती तौर पर सिफत खातून है। हाय हाय हाय, अब क्या समझ? हाय हाय हाय, तौहीद परस्त भी हैं और तौहीद परस्ती आती भी नहीं। कमाल है सरकार, ये कैसी तौहीद? आपने अल्लाह को इतना मामूली नाउज बिल्ला समझ लिया कि वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, उसके मजहर से पता चलेगा ना, वो किसी से जना गया यानी कोई उसकी माँ नहीं है और ना वो किसी की मां है कि उससे कोई जना जाए, ना उसकी कोई सुलब है। सुलब तो तभी होगी ना जब कोई मां होगी, और जब कोई आगे जना जाएगा तो कोई बीवी होगी। तो औरत की सिफतें अल्लाह बयान कर रहा है अपने लिए कि मैं ऐसा नहीं हूं। और रसूल अल्लाह ने फरमाया नहनो सिफातुल्लाह, हम ही अल्लाह की सिफते हैं। अल्लाह की सिफत क्या है? ना वो किसी से जना गया है, तो ये वो खुद नहीं है, मोहम्मद है। और ना इनसे कोई जना गया, ये भी सिफत मोहम्मद की, ये भी मोहम्मद है। अब कैसे? एक मिनट में वो हो जाता ना शेर, अब वो कैसे मुझे जरा बताइए कि जब सर का मुश्किल है, लेकिन इस तरफ ध्यान दीजिए, कब तक हम दिलों में ये छुपाए रखेंगे, कब तक घबराए रहेंगे? इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए तो आप कुरान से दूर हो गए। आपको लगा कुरान सिर्फ मौलवी के लिए इसाले सवाब के लिए है? नहीं, किताब हिदायत के लिए है, ये जादू मंत्र के लिए नहीं रह गई। हाँ, हम मुर्दे के लिए नहीं है, ये किताबे हिदायत है, इस पे अमल करना है। भाई देखिए, जब रसूल अल्लाह उधर नबी थे, अभी आदम बने नहीं थे तो नबी थे, तब वहाँ हजरत अब्दुल्ला और आमना से पैदा हुए थे, सरकार अब्दुल्ला भी नहीं थे, सरकार आमना भी नहीं थी, लेकिन वो कह रहा है मैं नबी था, नबी था, मैं नबी था। वजूद का होना तो एक बड़ी दूर की बात है, अपना मनसब बता, मैं मनसब अपना बता रहे थे, मैं नबी था।
मैं नबी था यानी मेरी अकल कामिल थी। नबुवत क्या होती है? नबुवत नाम है अकल कामिल का। अकल कामिल का नाम है नबुवत। मैं नबी था तो उस वक्त क्या सरकार के वालदैन गरामी मौजूद थे? तो किससे जाहिर हुए? तो किससे जाहिर हुए? वह न माँ न बाप न वजूद न मिट्टी न पानी कुछ भी तो नहीं। आदम बने ना पहले मिट्टी, मिट्टी मौजूद थी तो बने, लेकिन वहां तो मिट्टी और पानी भी नहीं है जब ये थे, बाद में मिट्टी पानी खल्क हुए, तो कुछ भी नहीं था तो ये थे। तो फिर लम यलद व लम यूलद के मजर हैं कि नहीं है? बतूल भी मौजूद थी, हसन भी मौजूद थे, हुसैन भी मौजूद थे, अली भी मौजूद थे, तो लम यलद व लम यूलद के मजार हैं कि नहीं है? हाँ, उसमें भी मरकजी नुक्ता क्योंकि खातून से मुतल्लिक है, ना ये जनी गई ना इससे कोई जना गया, यानी मुहावरतन यही कहना कहावत। अल्लाह ने भी कहा लम यलद व लम यूलद, ना मैं जना गया ना मुझसे कोई जना गया, ना मैं किसी का बेटा ना कोई मेरा बेटा। ये सिफ्त है खातून के लिए, खातून के लिए। और इसका मजहर अल्लाह ने किसको बनाया? बतूल को। इसीलिए हसन और हुसैन को मोहम्मद मुस्तफा ने कहा मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे। अली की सुलभ से बतूल की सुलभ क्यों नहीं कहा? अली की सुलभ से। अब अगर बतूल हसन और हुसैन को बेटा कहती है ना, तो ये हसन और हुसैन पे एहसान अजीम है। इसीलिए हुसैन ने अपने खुतबे में कहा था मैं मोसना का बेटा हूं, अल मोसनतुल हुसैन, हुसैन की मोसना का मैं बेटा हूं, हुसैन की मोसना का मैं, मां का नाम नहीं लिया, का हुसैन पर जिसने एहसान किया मैं उसका बेटा हूं। जोहर कहन कहते मैंने एक दफा बादशाह से पूछ लिया, बादशाह आपने कहीं खुतबे में कहा था मैं मोसना हुसैन का, मोसना इस्लाम या मोसना दीन नहीं, मैं मोसना हुसैन का बेटा हूं, हुसैन पर एहसान करने वाली का बेटा हूं। ज़ुहैर इब्ने कहन कहते मैंने बादशाह से पूछा सरकार इसका क्या माना था, आपने बीबी के लिए ये कहा सुनो ज़ुहैर इब्ने कहन उन्होंने हमें अपना बेटा कहा, ये उनका एहसान अजीम था क्योंकि वो मजहर किसी और सिफ्त की थी। और यही माने आते हैं उम्मे अबीहा के, अपने बाप की भी मां। एक दफा अपने बेटे हसन से कहने लगी सुनो भी मंजलते का आमिना, ए हसन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी आमिना की मंजलत के बराबर हूं, क्या तुमने अपने जद से नहीं सुना फातिमा उम्मे अबीहा, मैं अपने बाप की भी मां, तो वो किसी मानवीयत में है, यानी मैं और बीबी आमिना एक ही नुक्ता है, एक ही नुक्ता है, वो जरियतुल वजूद मोहम्मद, मैं जरियतुल जहूर रिसालत। मां दोनों रिसाला। काश ये आपकी खिदमत में कवा कऊ बातें बाद में तुम कहोगे जी आज तो आपने बहुत मुश्किल बातें कर दी है ना, ये इतनी सख्त बातें नहीं करनी थी। नहीं नहीं, ये सख्त बातें नहीं है, ये है। अब मुझे बताओ जितनी गुफ्तगू मैंने की क्या समझे आप सैयदा को? वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र, हम कुछ भी नहीं समझे, हम कुछ भी नहीं इदराक कर सके, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इन तमाम सिफतों के बावजूद जाहिरन माँ हैं,
हसन और हुसैन की माँ हैं, लेकिन कुफव हैं अली की, यानी बराबर हैं उनके बाप के। हाय हाय हाय, अली के बराबर हैं, अली के बराबर खुद अली हैं, खुद अली हैं, खुद अली हैं, खुद अली हैं। इमाम हसन मुज्तबा माँ को देखकर पिछले कदमों ऐसे ऐसे चलने लगे और दीवार के साथ जाके लगे और अदब से सर झुका लिए। किसी कहने वाले ने कहा, बादशाह उस्मा बिन्त उमैस कहती हैं कि सर झुका के कहा, सरकार शहजादे ऐसा अदब तो आप अपने बाबा का करते हैं। कहा उस्मा बिन्त उमैस, आपको क्या पता, क्या रसूलल्लाह से नहीं सुना कि अली और फातिमा बराबर हैं। लिहाजा मैंने जब अपनी माँ को आते हुए देखा तो मुझ पर वही हैबत तारी हुई जो मैं बाबा को देख के अबुल हसन को देख के होती है। वही हैबत तारी हुई, हसन कह रहे हैं मुझ पर वही, मुझ पर वही हैबत तारी हुई जो बाबा को देख कर मुझ पे तारी होती है। जब तारी होते अली बादशाह से किसी ने सवाल किया कूफे में, अली इतने बहादुर थे तो खुद दरबार में चले जाते, तो अली ने कहा मैं ही तो गया था। अली ने भरे बाजार में कहा चिल्ला कर, कहो जाहिल आदमी मैं ही तो गया था। उसे कहा अली अब ऐसा भी मजाक ना कीजिए, कहा तुम रसूल को झुठलाते हो, रसूल ने कहा था फातिमा मेरी कुफव है, मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। कहा वो गई थी तो अली ही गए थे, अली ही गए थे, मैं अली सैयदा हैं। मैंने गुजारिशात में सख्ती की, उसके लिए माफ़ी का तलबगार। हाँ बिल्कुल, दिमागों को मैंने छेड़खानी की, थोड़ी सी जराहत, शकील गुफ्तगु, भारी गुफ्तगु की। यानी आप सारी ज़िंदगी बीत गई कि हसन और हुसैन की माँ। मैंने कहा कि मानवीयत में ऐसा नहीं है, ये बज़ाहिर रिश्तेदार लगते हैं होते नहीं, क्योंकि इनका आना जाना जमीन पर, इनके रिश्तेदारियां, इनका बेटा बेटी होना, माँ बाप होना, बहन भाई होना, सब खुदा की रजा के लिए है। और खुदा ने इन्हें मिन नूर वाहिद से खल्क किया है, और नूर वाहिद में ना कोई बहन था ना भाई, ना माँ थी ना बेटा। अल्लाह अकबर, ये वाहिद ही रहते अगर तौहीद ना बचानी होती, ये वाहिद ही रहते अगर तौहीद ना बचानी होती, तभी तो खुद बार बार कहा कि अब्दुल्ला सरकार और अबू तालिब अलैहिस्सलाम में आके हमारा नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और जो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए वो खुदा नहीं है। यहाँ आके नूर को दो हिस्सों में तकसीम की बात की कि दो हिस्से हो गया, वो जो नूर वाहिद था यहाँ आके दो हिस्सों में तकसीम हो गया और तौहीद को तहफ्फुज़ हासिल हो गया, वरना नूर वाहिद चला आ रहा था। समझ रहे हैं ना? लिहाजा आज की हद तक इतनी ही मेरी गुस्ताखियाँ काबिले कबूल हों, कल इससे थोड़ी अगली मंजिल तय करेंगे। दिल ना छोटा कीजिए, हाँ दिल नहीं छोटा करना। मैंने कहा ना इनके फजाइल में तो अजल और अबद गुम है, अजल और अबद मसल क्या क्या। मैं देखे जब शहजादी ने हुक्म दिया मेरे बारे में इल्म हासिल करो, तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि शहजादी अगर हुक्म देती तो ज़मीन जो है वो एक फूल की तरह हो जाती, क्या बताऊँ, आसमान जो है वो गायब हो जाता। चलिए चलिए ये भी सुना देते हैं आपको,
बाकर बादशाह का ज़माना, सजाद बादशाह का, और सजाद बादशाह के सामने इब्न जुबीर हाजिर हुए। उन्होंने कहा मौला हमारे साथ वो गंदी हो रही है कि रह रबदना, अली की मोहब्बत में हमारे साथ वो हमारे फड़कड़े उठाए जा रहे हैं, मालिक हम तो रहने के भी लायक नहीं। इतना रोए, इतना रोए कि सजाद बादशाह ने जलाल में आके कहा बाकिर कल सुबह इनके साथ जाना और वो धागा ले जाना जो उस डिबिया में पड़ा। अच्छा। सुबह हुई और वो धागा पेश किया गया डिबिया में, खोल के जरा सा एक धागा, इब्न जुबैर के तो जरा सा धागा। मौला ने उसे निकाल के कहा बाकिर जेरे आसमान इसे सिर्फ जरा सी हरकत देना, जरा सी, ज्यादा नहीं, ऐसे जरा सी हरकत देना, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, वरना क्यामत आ जाएगी, क्यामत बरपा हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं, जरा सी हरकत देना। बाकिर बादशाह घर से बाहर निकले और जेरे आसमान इब्ने जुबीर कहते जरा सा बाकिर ने धागे को जरा सी हरकत, वो जरा सी समझने कितनी जरा सी होगी, जरा सी, वो इमाम ही दे सकता उसको हरकत, वो जरा सी हरकत दी, जमीन झूले की तरह झूलने लगी, मदीना में घर गिरने लगे, लोग मरने लगे। ये बहुत बड़ा तो एक जलजला आया था मदीना की तारीख में, आज भी याद रखा गया तारीख है मदीना में, कि एक जलजला आया था सज्जाद के जमाने में, बेतहाशा इमारतें गिरी थी, बे इंतहाशा लोग मरे थे और जमीन झूले की तरह झूलने लगी थी, हत्ता के बाकिर ने उस धागे को रोका। इब्ने जुबीर कहते जब बहुत तबाही मच चुकी और सरकार बाकिर वापस आए, जब कोहराम को लोगों ने अमान मांगना शुरू की रसूल की, तो सरकार बाकिर अपने बाबा के पास आए तो हम साथ थे, हम भी खौफजदा हो गए, आंखों पे हाथ रखे हुए हम इमाम की बारगाह में आए, तो हमने कहा मौला ये क्या था? इरशाद फरमाया जहरा की चादर में से एक सिर्फ जर्रा सा, एक छोटा सा धागा था मेरी दादी की चादर का, इसमें जलाल इतना था कि बाकिर ने इसे सिर्फ हिलाया, सारा मदीना हिलने लग गया। कमाल सबर नहीं, दरवाजे के पीछे खड़ी थी जिसकी चादर इतनी ताकत रखती थी कि उसका एक धागा क्यामत बरपा करने के लिए काफी था, वो पीछे खड़ी हुई कह रही थी मैं मोहम्मद की बेटी हूं, और कहने वाला कह रहा था कौन मोहम्मद? वो कह रहा था कौन मोहम्मद, और जवाबन वो इस तगासे में कह रही थी अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया, अली मेरा मोहसिन बाकी नहीं रहा, मेरा जनीन साकेत हो गया, वल्लानतुल्लाह अला कौम अज़्ज़ालिमीन। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मेरे मालिक को खालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों से दरगुज़र, हमारे साहिब अल-असर का जल्द ज़हूर फरमा, हमारी मुश्किलात को हल कर, हमारी मुसीबतों को टाल दे, मेरे मालिक को खालिक इस जिक्र को कबूल फरमा, इस जिक्र में हज़रत आदम से लेके अब तक और हम सब के मरहूमीन को शामिल फरमा, मोमिन मोमिनात को, मेरे परवरदिगार चार दमाशुमीन का सदक़ा, मेरे मौला इस कलील व मुख्तसर ज़िक्र व अज़कार व इबादत को कबूल व मकबूल फरमा, साहिब के लिए उन रास्तों में से इसे भी एक रास्ता बना जिससे बादशाह जल्दी चल के आ जाए, ज़हूर हो जाए हमारे मालिक का मेरे परवरदिगार, ताकि हम यही पुरसा हम उनकी बारगाह में पेश कर सकें, हम उनसे सुने कि आखिर अल्लाह की वो कौन सी तौहीदी मार्फत थी बतूल जिसका इलम हासिल करना इंसान पर ज़रूरी था। ए मेरे परवरदिगार हमें मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद अनायत फरमा, वहदहुला शरीक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका,
हमारे साथ वो कर जिसका तू सजावार है मेरे मालिक, हमारे साथ वो न कर जिसका इस्तेहकाक हम रखते हैं। ए मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपको अल्लाह का वास्ता, हम पे नजरे करम कीजिए। बे औलादों को मोमिनिन मोमिनात को औलाद नरीना नतफ माले खालिक, जिनकी बच्चियों का इंतज़ार हो रहा है कि उनके लिए अच्छे रिश्ते मिले, अच्छे शादियां हों, मेरे मौला उनकी बच्चियों के मोमिनिन के मसलों को हल फरमा। मेरे मालिक, जो कर्ज़दार हैं उनका कर्ज अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार मुहैया फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ, मरीज़ मखसूस और मरीज़ जितने मोमिन मोमिनात हैं उनको शिफाए कामला वाजला अता फरमा। जिन लोगों ने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं उनकी दुआएं हमसे पहले उनकी दुआएं कबूल फरमा। ए मेरे परवरदिगार, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका बैतुल उज़्ज़न और रज़्क़ के मुजावरों के खानवादे की मेरे मौला हिफाजत फरमा, उन्हें वो अनायत फरमा जो तूने मोमिनों के दर्जों के लिए रखा है। मरहूमीन की शफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। मेरे परवरदिगर, हम सब के बच्चों पे करम नवाजी फरमा। हमारे घरों की चार दीवारियों पर गैरत के बादशाह अब्बास का पहरा रहे। मेरे परवरदिगार, मोहम्मद वाले मोहम्मद के खानवादे इन कुल्लो ना मोहम्मद का सदका मेरे मौला माले खालिक, हमारी वो हाजतें जो हम तेरे सिवा किसी और से नहीं कह सकते उन्हें पलक झपकने से पहले पूरा फरमा। ए मेरे परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें हक और सच्चाई और सीधे रास्ते पे गामसन रख, हमें अपने साहिब के करीब कर दे, हमारे साहिबुल असर का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।